नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, और आज जिस खास कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहिए इंटरनेट की दुनिया को और सोशल मीडिया को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक दिन एक वीडियो क्लिप आई, और उस वीडियो क्लिप में एक बेहद यंग आर्टिस्ट बांसुरी पर बजा रहे थे ओ सजना बरखा बहार आई, लता जी का गाना, सलिल चौधरी का म्यूजिक। मतलब मैं खो गया उस बांसुरी की उन धुनों में, और साथ में सितार का की संगत थी। और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेट को धन्यवाद देना चाहिए, सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए, जैसे ही मैंने उसके बाद जाकर गूगल बाबा पर ढूंढा, मुझे उस कलाकार के बारे में पता चला, और पता चला कि वो यंग कलाकार हैं वरुण। तो मैं वरुण का स्वागत कर रहा हूं। वेलकम वरुण, रागगिरी के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते शिवेंद्र जी। वरुण, मैं देख रहा हूं आप बांसुरी लेकर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना शुरुआत करें इससे पहले वही गाना जिस गाने से मेरा आपसे परिचय हुआ। क्या बात है। अच्छा वरुण, ये बताइए, आप लोग की एक टीम है, जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया, मैंने देखा उसमें आपके साथ संगत पे तबले की संगत थी, सितार की संगत थी, तो ये जो छोटी सी आपने टीम बनाई, इस टीम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस पर जरा हमें बताएं प्लीज। या एक्चुअली ओ सजना कवर में तबला है, सितार है, दे आर वेल नोन आर्टिस्ट फ्रॉम केरला। तबला प्लेड बाई फेमस महेश मणि एंड सितार प्लेड बाई पोल्सन, ए जे पोल्सन। एक्चुअली ही इज़ वेरी वेल नोन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हियर इन केरला। दे आर फेमस इन तमिल इंडस्ट्री ऑल्सो, तमिल फिल्म इंडस्ट्री एंड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। दे आर प्लेइंग लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग्स हियर, एंड एक्चुअली दे आर ऑल माई फ्रेंड्स एंड को म्यूजिशंस एंड वेल विशेज। दे एक्चुअली यूनाइटेड फॉर मी फॉर दिस कवर। दैट्स द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड द ओ सजना कवर, एंड वी आर ऑल प्लेइंग इन स्टेज शोज ऑल्सो। दिस इज द स्टोरी एक्चुअली। वरुण, कैसे आपका जो म्यूजिक का जो ये जर्नी है, आपका जो ये संगीत सफर है, कैसे शुरू हुआ, आपने किन से संगीत सीखा, और अभी क्या आप अभी भी सीख रहे हैं, या अब आप गुरु से नहीं सीख रहे हैं, बल्कि अब आप अपने रियाज के भरोसे, रियाज के दम पर जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं वो बनाते हैं? आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक एंड फ्लूट इन माई स्कूल डेज आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वॉज 16 आई थिंक। एंड माई फर्स्ट गुरु वॉज लेट चालकुडी गणपति, एन एस गणपति, ही इज़ नो मोर नाउ। एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम मेनी टीचर्स एंड स्टिल लर्निंग, मोस्टली सेल्फ टॉट आई कैन से। एंड दिस वीडियो मेकिंग, ऑल आवर फिल्म सॉन्ग्स एंड सम ओन कंपोजिशंस, that are all my part actually. I am doing and learning myself only, and learning classical music and many other forms from various teachers, various performers, various artists and so on. That's about my teachers and gurus and the video making. वरुण, मेरा अगला सवाल बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। आप बांसुरी क्यों, कोई और इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं, आपने बांसुरी को क्यों चुना? इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से आई लव बांसुरी साउंड मोर देन एनी इंस्ट्रूमेंट साउंड। इट्स जस्ट लाइक वोकल, वी कैन एक्सप्रेस व्हाट वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड, व्हाट इज आवर म्यूजिक। इट डिपेंड्स अपॉन आवर म्यूजिकलिटी
what can I say? Bansuri is simple instrument. By looking, it is very simple to carry and all, but it is somewhat complicated in a deep level. That I can say. Why Bansuri? I love Bansuri. I love its sound, its music, and its simplicity. अच्छा वरुण, बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भगवान कृष्ण का पर्याय है, तो क्यों ना कोई ऐसा भजन जो आपको याद आ रहा हो, जो आप हमें सुनाना चाहें, और जिसको सुनकर हम वो जो कृष्ण जी का बचपन है, जिसमें वो बांसुरी है उनके हाथ में, या जो बात तक रही उसमें खो जाएं, उनके बचपन में चलें, जरा हमें कृष्ण जी से मिलवाइए, बांसुरी वाले कृष्ण जी से। इट्स नॉट ए भजन, इट्स ए कर्नाटिक क्लासिकल कृति कॉल्ड आलेपायुधे इन आदिताड़म रागम कन्नड़ा आई प्ले फॉर यू. ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।